बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए स्ट्रॉबेरी की आइसक्रीम की ऐसी रेसिपी लेके आया हूँ कि बनाने में बहुत ही आसान और इसमें चीज़ें भी आपके किचन में अवेलेबल होंगी वही जाएंगी और देखने में सुभान अल्लाह आप भूल जाएंगे सभी आइसक्रीम पार्लर्स को। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपनी प्यारी सी कढ़ाई में 1 लीटर हम लेंगे मिल्क। जो खुला दूध मिलता है वो आप यूज़ करिएगा, इन केस अवेलेबल नहीं तो आप पैकेट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लेम को हाई कर देते हैं और चलते हैं टेबल की तरफ। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत ही खूबसूरत टूटी फ्रूटी है। ये आपको किसी भी जनरल स्टोर हकीम पंसारी से इजीली अवेलेबल होती है। तो इसको आपने क्या करना है, इसकी कर लेनी है कटिंग। अब जो रेस्टोरेंट्स में आइसक्रीम मिलती है उसमें ये ज़रूर ऐड की जाती है। एक तो इससे आइसक्रीम बहुत खूबसूरत हो जाती है, दूसरा इसका अपना भी एक टेस्ट और फ्लेवर होता है। तो ये छोटी छोटी बातें अगर हम ऐड कर दें तो रेसिपी बहुत अच्छी हो जाती है। अब यहाँ पे एक अहम चीज़ ये है, मेरे पास कस्टर्ड पाउडर किसी भी कंपनी का ले लें, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है। तो यहाँ पे एक्चुअली जो पाउडर यूज़ होता है आइसक्रीम के लिए GMC पाउडर होता है, लेकिन वो लोकली अवेलेबल नहीं होता। तो मेरी कोशिश होती है मैं आपके लिए वो चीज़ें लेके आऊँ जो नॉर्मली अवेलेबल हों, ताकि आपको रेसिपी बनाने में प्रॉब्लम ना आए। इसका यूज़ क्यों किया जाएगा, ताकि दूध को गाढ़ा किया जाए। तो यहाँ पे आपने दूध को अच्छे से पकाना है, दूध को ज़्यादा बॉयल करने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। चलें जी, बहुत अच्छे बॉयल दे लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें चीनी ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दें। और उसके बाद हमने जो कस्टर्ड पाउडर ऐड किया हुआ था उस पानी के अंदर, उसको इसमें मिक्स करेंगे। फ्लेम यहाँ पर हम हाई कर देंगे। तो फिर बता दूँ, इस कस्टर्ड पाउडर का जो इस्तेमाल है, जो वजह है, वो ये है कि हमने इस दूध को करना है थिक, यानी कि गाढ़ा। इससे ये आइसक्रीम तो नहीं बनेगी, लेकिन आइसक्रीम बनने में हमें मदद मिलेगी। फ्लेम को हाई कर देंगे, इससे क्या होगा कि ये दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, ये देखें आप। और इसमें बहुत जब बड़े बड़े बबल्स आने शुरू हो जाएं तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी रिक्वायर्ड जो सिचुएशन है, जो लुक है, वो आ चुकी है। यहाँ पर आप फ्लेम को ऑफ कर दें और ये देखें जी, अब आपने इसको साइड पर रख देना है ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो चलते हैं स्ट्रॉबेरी की तरफ। तो यहाँ पे देखिए जी, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और फ्रेश और बहुत ही सस्ती स्ट्रॉबेरी है हमारे पास। आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको देख के खुश होना है और कहना है कि सुभान अल्लाह। अब आप एक खूबसूरत सा जग लेंगे, उसके अंदर तकरीबन 1 पाव आप स्ट्रॉबेरी को ऐड करेंगे। इसके जो पत्ते हैं वो मैंने काट लिए हैं और इसको आपने कर देना है ब्लेंड अच्छी तरह से, ठीक है। अब बारी आ जाती है क्रीम को ऐड करने की। तो यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्यारे से बॉल में हम क्रीम ऐड करेंगे। 120 मिलीलीटर जो आम टेट्रा पैक मिलता है किसी भी ब्रांड का ले लें, उसको हम करेंगे यहाँ पे अच्छे से बीट। ये आपने फुल चिल्ड लेनी है, मतलब कि फुल ठंडी फ्रीज़र में रखी हुई। बीटर ऑन करेंगे और इसको करेंगे बीट। एक्चुअली यहाँ पे जो क्रीम यूज़ होती है वो होती है व्हिपिंग क्रीम, जो आपको डेयरी फार्म से मिलती है। तो नॉर्मली लोगों को वो अवेलेबल नहीं होती, तो इसलिए मेरी कोशिश थी मैं वो चीज़ें लेके आऊँ जिससे आप इजीली रेसिपी बना सकें। यहाँ पे आपने इसको तब तक बीट करना है जब तक ये साइज़ में डबल ना हो जाए, क्वान्टिटी में डबल ना हो जाए, तब ये बहुत फ्लफ़ी हो जाएगी और बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी। अगर आपके पास ये बीटर नहीं तो आप इसको ब्लेंडर के अंदर भी बीट कर सकते हैं, लेकिन इसको रखना फुल आपने ठंडा है। चलें जी, बीट कर लेने के बाद आपने ये जो स्ट्रॉबेरी का पल्प बनाया था इसको इसमें ऐड कर देंगे और कर देंगे मिक्स। कलर को लेके भी मैं एक बात आपको आगे जाके बताऊंगा कि अगर कलर ना आए तो आपने क्या करना है। मिक्स कर लेते हैं और दूसरी तरफ हमारा जो कस्टर्ड पाउडर वाला मिल्क था जिसको हमने ठंडा कर लिया था, ठंडा मतलब रूम टेम्परेचर, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं, इसको इसमें ऐड कर देते हैं। और अच्छी तरह से आपने कढ़ाई को साफ़ करना है, ज़रा सी भी चीज़ ज़ाया ना हो। अब यहाँ पे जब आपने इसको मिक्स करना है तो कलर खूबसूरत आना चाहिए। इन केस कलर नहीं आता तो आपने क्या करना है, किसी भी अच्छे जनरल स्टोर या हकीम पंसारी से आपको फूड कलर मिलेगा, जो खाने के कलर होते हैं। एक चुटकी, 1 चम्मच पानी में आपने इस तरह से इसको फेंटना है, इसको डायरेक्ट ऐड नहीं करना आइसक्रीम के अंदर। और उसके बाद 3-4 ड्रॉप आपने इसमें ऐड करने हैं, कहीं कलर ज़रूरत से ज़्यादा ना हो जाए। सो एहतियात के लिए 2 से 3 ड्रॉप ऐड कर देंगे और इसकी कर देंगे मिक्सिंग। देखें, कोई भी रेसिपी आप थोड़ी सी हटके बनाएं जो मार्केट में मिलती है, तो उसमें खूबसूरती का आप खास कर ध्यान रखा करें। अगर आपने खूबसूरती ऐड ना की तो खाने वाला कह सकता है कि मतलब इतना अच्छा नहीं बना। अगर आप खूबसूरती पे ध्यान रखेंगे तो खाने वाला भी खुश हो जाता है। और ये टूटी फ्रूटी जिसकी हमने कटिंग की थी छोटे साइज़ की, इसको इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी के आइसक्रीम में वो इतने अच्छे नहीं लगते। इसकी हम कर देंगे मिक्सिंग।
चलें जी, अब यहाँ पे आप कलर देखें कितना अच्छा आ गया। अब क्या करेंगे, खूबसूरत से दो हम डिब्बे लेंगे, उनके अंदर हम इनको पोर कर देंगे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इतनी है कि दो डिब्बे में हो सकती है। जस्ट एक लीटर दूध से मैंने ये आइसक्रीम बनाई है। देखिए आप, इसको साइड पे करते हैं और एक और डिब्बा लेते हैं, उसके अंदर बाकी हम पोर कर देते हैं। प्याले को अच्छे से, बाउल को अच्छे से साफ़ किया करें। अब इनको ढाँप देंगे और रख देंगे फ्रीज़र के अंदर। जस्ट 2 से 2.5 घंटे में ये फ्रीज हो जाएगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको उतारते हैं और देखते हैं इसको कट करके। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बढ़ते हैं जो उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, वीडियो को लाइक तो यकीनन आपने कर ही दिया होगा। प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और दीजिए इजाज़त, सारी को इजाज़त अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।